गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो मजामा। सो गाइस, आज का व्लॉग जो है एक व्लॉग नहीं है। आज का व्लॉग जो गोलू को लगता है कि वो ज्यादा अच्छे से जानती है मेरे को, बट मुझे ऐसा कतई नहीं लगता है कि वो मुझे इतने अच्छे से, एक साल से ऊपर हो चुका है हम लोग को साथ रहते हुए, तो उसको लगता है कि ये जीत जाएगी, बट ऐसा हम होने नहीं देंगे। आप लोग देखते रहिए, लास्ट तक देखना वीडियो को, बल्कि आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो भाई, गोलू ने अपने क्वेश्चन जो है वो कर लिए रेडी, मैंने भी अपने क्वेश्चन जो है छिपा के थोड़े से मैंने लिखे हुए हैं, और जीतने तो नहीं दूंगा तुमको मैं वैसे, लेकिन ये हम लोगों ने आपस में प्रॉमिस कर दिया है कि यार मतलब आंसर बताना सच है, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक मैं उसको हराने के चक्कर में मैं बोल दूं कि यार झूठ है या ये तूने बोला ना बेटा बताना मुझे। तो हम लोगों ने क्वेश्चंस लिख लिए हैं अपने फोन में, और अभी हम लोग पहले लेडीज फर्स्ट होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज गोलू, तेरे को क्या लगता है तू जीत जाएगी? आप लोग को लगता है ये जीत जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कर लेके बताना जीत जाएगी। हां मैं जीत जाऊंगी थोड़ा सा। जो भाई मेरे फॉलोवर्स है ना, मेरे वो मेरे साथ है। ठीक है, जो हमारे फॉलोवर्स है वो सारे मेरे साथ है, तो आप बच गया। जस्ट आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन है मेरा आई कलर क्या है? ये कैसे क्वेश्चन होता है भाई, मतलब इतने एक साल से साथ रह रहे आई तब ना नहीं पता कुछ नहीं पता होता आप हमें कौन किसके पास इतना होता पता है आई थिंक नहीं, बट एक्चुअली मुझे पता है कि ब्लैक है यार। आई थिंक मुझे पता है। हां मतलब यार ब्लैक ही है ऑब्वियसली, आप लोगों ने देखा ब्लैक कलर नहीं है, ब्राउन। कौन से डॉक्टर से ना बात नहीं है डॉक्टर क्या मतलब अबे मैं रोज देखता हूँ ऐसे नहीं था ब्लैक है ब्लैक नहीं तो ये क्वेश्चन का अंतर गलत। अरे मतलब लॉजिक तो दो आप, कैसे बोल रहे हैं मतलब क्या मतलब दिखा नहीं ऐसे गलत है यार, ये मतलब चीटिंग कर रही है स्टार्टिंग से, पहले क्वेश्चन से चीटिंग है, पहले क्वेश्चन से चीटिंग है, पहले क्वेश्चन ही नहीं आता चीटिंग। चल कोई बात नहीं, मान लेते हैं हम यार, कोई बात नहीं, बच्चे 1-0 स्कोर इज 1-0। हां बच्ची चलो 1-0 इसको। ओके यार मैंने तो बड़े इजी इजी क्वेश्चन लिखे यार, ये मतलब कैसे क्वेश्चन लिख रखे इस बंदी ने यार, मेरे को बताना चाहिए था ना। मतलब ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मेरे को लगा यार मतलब सिंपल सिंपल, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है माय फेवरेट कलर, मतलब सर मतलब नहीं, मतलब यार होना ना कि भाई सिंपल क्वेश्चन लिखने बोले, इसने पहले कहा ये चीटिंग किया, इसने मेरे को बोला कि बड़ा सिंपल से क्वेश्चन लिखेंगे यार, 4-5 है ना सिंपल से क्वेश्चन लिख लेंगे, तो ताकि मतलब थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन फेवरेट कलर सिंपल नहीं भाई, गलत नहीं होता, गलत धोखा है धोखा है ये, अब ये तो है सबको पता है, कि सबको पता है 90% लोगों का यार ब्लैक ही होता है, ये तो इज्जत का पानी था बड़ा। ओके लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ, ठीक है, डोंट रिमाइंड मी दैट। ओके आस्क मी द क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन है मेरा फेवरेट फूड क्या है, सब किस टाइप का फूड, इसकी शक्ल देख के कोई बता सकता है? जरा इसकी शक्ल देखो, मतलब मैं अगर कोई बंदे को वीडियो को यहाँ तक देखे ना किसी ने, तो उसको आगे का पार्ट देखने से पहले वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना इसकी शक्ल देख के कि क्या हो सकता है इसका फेवरेट फूड। सबको पता है चाइनीज औरत, चाइनीज औरत का फूड चाइनीज विल बी योर, क्योंकि एक्चुअली चाउमीन सबसे ज्यादा खाते हैं, इसका फेवरेट फूड चाउमीन है मेरा, तो चाउमीन है तो मतलब चाइनीज फूड आई थिंक। अरे मैं जानता हूँ यार, तू क्वेश्चन ही गलत पूछ रही है, नहीं तो सारे बता सकता इसको। यहाँ से पता लगता है मैंने भी इजी क्वेश्चन रखे हैं, अब मैं सारे आंसर बता सकता हूँ, तूने क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग दिया मेरे लिए, मैं बुरा नहीं चाहता। कोई बात नहीं। ओके द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज व्हाट इज माय शू साइज,
यार अब मेरे को लग रहा है कि लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने ये क्या क्वेश्चन लिख दिया यार, मतलब शू साइज क्या, अब थोड़ा मैं ध्यान देता ना, मतलब पढ़े लिखे बर्थडे पे शूज गिफ्ट करे और मुझे ही शू साइज नहीं बताओगा, वाह। यार मैं सोच रहा हूं कि वो क्या कहते थे, वो जैसे बचपन में बोलते थोड़े पढ़े लिखे होते तो कुछ और बात होती, तो वही मेरे को वही लग रहा है कि यार थोड़ा बहुत पढ़े लिखे या मतलब कुछ लिखा होता डर से तैयारी करे, बट तूने चीटिंग तूने स्टार्टिंग में मेरे को बड़ा इजी क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, हम इसका ना पार्ट टू करेंगे इस वीडियो का, मतलब यहां पे पता कर गया है हथियार डाल, नहीं अभी तो बहुत क्वेश्चंस बाकी है, लेकिन हम इस वीडियो का पार्ट टू जरूर करेंगे एंड उसमें मैं सॉलिड तैयारी के साथ आऊंगा, आप लोग का भाई हिम्मत नहीं हारता है, बता देती हूं सबको पता है 10 सबको नहीं आई मुझे पता है सबको, तो क्या पता, दानवों में प्यार आता है। Okay, let's move to the third question. क्या third question है मुझे बोलना? हाँ तो ask ना, मैं तो अपना देख रहा हूँ, तुम अपना देखो। मेरा question है। सारे difficult पूछेगी भाई, मैं बता रहा हूँ ये अपने पति को हराने ही चाहती है भाई, मैं बता रहा हूँ धोखा हो रहा है। Question है, मेरा favorite time pass क्या है? ये कैसा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन गलत है, आनुकी वाली बात है, तुम मुझे पागल बना रही हो। गलत नहीं है, टाइम पास में आनु क्या करना पसंद करता है, सबसे टाइम पास क्या होता है? टाइम पास में क्या करती है तू? तू वॉक करती है? वॉक करती है? हाँ ऑब्वियसली, तू मोटी है तो तू वॉक करती है, तू पेट घटाती है। मोटी नहीं हूं यार, मतलब आजकल, मतलब आजकल तो ये वो वॉकिंग कर रही है तू, जब भी टाइम मिल रहा है वॉकिंग करने के लिए, ऑल टाइम क्या हो सकता है यार, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, टाइम पास के लिए पता, मेरे को तो पता कि भाई मैं तो कुछ भी करता हूँ। तुम आंसर यही है इसका, ये भी कुछ भी करती है, कुछ भी, कुछ भी, सबका एक स्पेसिफिक मतलब कंफर्ट जोन होता है, जब भी वो आदमी अकेला या I think ये फोन यूज करती है, तो अपन फोन यूज करती है यार, नहीं तू इतना फोन यूज, तू फोन इतना यूज करती है तभी मेरे को YouTube से ये आइडिया मिला था कि हम लोग ये चैनल बना सकते हैं। मैं इतना फोन यूज नहीं करती, मैं बहुत कम फोन यूज करती हूं, हमेशा से ही लाइक रूल होता है, हमेशा से ही, ये नॉर्थ ईस्ट वाले बिहार में क्यों चले गए हैं, हमेशा से ठीक है, मतलब मैंने आंसर अच्छा दिया नहीं है। आंसर बताने के बाद ही ओके टाइम आउट मैं तो पागल हो गया, ऑप्शन वैसे है क्या इसका आंसर यार, मेरे को सच में नहीं पता यार, सोना स्लीप, अरे यार ये तो मेरे को पता था, मुझे सोना बोल, जब फ्री टाइम जब भी होता है तो मैं कुछ नहीं करना चाहती, कुंभकर्ण हुआ करती थी यार ये लड़की, कुंभकर्ण इंद्रियों को रेस्ट, मतलब मैंने अपने जीवन में ना कोई ऐसी लड़की नहीं देखी जो कि 20 घंटे भी सो सकती है, मैं सो सकती हूँ, हिम्मत है, कहते ना मतलब एक वो होता है नहीं होता स्लोथ, हाँ तेरा नाम भी तो होता है स्लोथ, वो बाइक एक्चुअली सारे नाम जो ना इसके मैंने रखे, किसने रखा स्लोथ में नाम, मैंने कहा था अभी शादी के बाद, ये फर्स्ट टाइम बोला है या फिर स्लोथ, ऐसे थोड़ी है, नहीं यार ऐसा खास नहीं, अब मैंने बताया तो अपन नेशनल प्लेटफॉर्म पे आप पेस्टिंग करोगे तो कोई बात, ये आंसर गलत है, आप अपना क्वेश्चन, ओके कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड, यस थर्ड, ओके ये वाला मैं भी कठिन वाला क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत ही कठिन, Tell me the thing which irritates me the most. Yeah. Because everything irritates me, na. So, you irritate the most ki baat bata. Irritate to main hota rehta hu. Mere ko to pata hai ki bhai hum to aise hi hai. But sabse zyada kya irritate karta hai? Balloon. भूख करती है बट द मोस्ट नहीं करती, देखो धमकी 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 द
भी करती तो और मुझे गलत बना दे हम। देख ले अब बताओ बताओ सोचो, ऐसे कुछ टाइम नहीं है क्या इसका? टाइम होना चाहिए 10 सेकंड 15 सेकंड। अच्छा मेरे इतने टाइम के लिए ऑप्शन चाहिए उसको क्या? नहीं नहीं बता। चलो टाइम अप टाइम अप टाइम बहुत होगा टाइम। अरे भूखी होता है भूखी है नहीं भूखी है। और यहाँ पर हम मैंने बोला था एक कठिन क्वेश्चन। ओके द आंसर जो कि पता है वैसे मेरे को मैंने बता दिया कि सब कुछ मेरे को इरिटेट करता है ज़्यादातर, बट भूख भी करती है, पर मेरे को जो सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है वो तू है। चीज दी वन जो मेरे को सबसे ज्यादा इरिटेट करती है जब ये मुंह बना के बैठ जाती है और बात नहीं करती और हर बात में बोलती है मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैं उसे पूछूंगा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बोलेगी नहीं, ना ये बंदी लड़ेगी, ना झगड़ा करेगी, ना हंसेगी, ना कुछ कुछ, मतलब एटलीस्ट लिटरली 1% रिएक्शन नहीं होता इसके फेस पे, बस ये मेरे को बोलेगी कुछ नहीं हुआ। तो वो उस टाइम पे जो है मैं सबसे ज्यादा इरिटेट हो जाता हूँ, वो सबसे ज्यादा गुस्सा भी उसी टाइम पे आता है। दो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया मैंने, दो का भी मैंने भी नहीं दिया, दो का मैंने सबको दिया है। ओह माय गॉड, यही तो अभी तो नहीं दिया, एक का ही तो नहीं दिया ना मैंने। मतलब लड़कियां मानती नहीं है, मतलब अभी आप लोग के सामने दो का आंसर नहीं दिया ना इसने, एक का ही दिया। चल ठीक है मान लिया, चलो मान लिया मान लिया कि हम लोगों ने आपने 2-1 का स्कोर। ठीक है कोई बात नहीं, बात पति तो आ सकते हैं, पत्नी को गर्मी रोटी खानी है भाई, जब कोई आने वाला होता है। अभी तो बहुत क्वेश्चन बचे हैं लेकिन पत्नी को फिर भी हम जिता सकते हैं, रोटी खानी है ना भाई। चलो आस्क मी द फोर्थ क्वेश्चन। ये क्या था? हर क्वेश्चन से पहले ये ऐसी की मतलब होता ना कि वो ऐसी वाली की टून की आती है, जैसे वो होती है ना सस्पेंस वाली, लिटरली वैसी टून आ दी हर बार। आपको सबके पहले बोल देते यार ये तो पता नहीं होगा, ये तो पता नहीं होगा। मेरा मोबाइल नंबर क्या है? मोबाइल नंबर आज के टाइम में किसी को किसी का मोबाइल नंबर नहीं होता, क्योंकि हमारी जो मेरे को याद है, मेरे को याद है, मेरे को अपनी फैमिली के सबके नंबर याद है। तो वैसे इस पार्ट को हम लोग जो है काट देने वाले हैं, मैं टेस्ट करूंगी। We can't just reveal the mobile number, but 468 the right answer. So the answer मैंने बिल्कुल सही बता दिया है भाई लोग, आप लोगों को सुना नहीं होगा but answer बिल्कुल सही बता दिया है। जो क्वेश्चन रखा था ये most difficult category में रखा था। Most difficult category मोबाइल नंबर, मतलब पढ़े लिखे इंसान है हम, पोस्ट ग्रेजुएट नौकरी वाले सरकारी अफसर वाली बात मतलब ऐसा थोड़ी था। तो मोबाइल नंबर किसको याद नहीं होते यार अपनी बीवी के? मतलब अब पता क्या होता है, एटलीस्ट मेरे को 5 बंदों के मोबाइल नंबर तो याद है। नहीं वो तो घर वालों ने ठीक है, बट मुझे लगा था मैं मतलब क्या बोलूं हम चार ना, मेरे को 5 बंदों के मोबाइल नंबर याद है सिर्फ, एक्चुअली में 5 हम लोग, 4 हम लोग ठीक है और मोनिदी एंड विशाल, तो अपना तो हटा देते हैं लेकिन हम लोग 5 बंदों का मेरे को याद है। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। ये भी यार मैंने आसान से रख दिया यार, मैं इसको चेंज कर दूं क्या? यार मतलब आसान कुछ नहीं होता है, मैं सारे आंसर जानती हूं। जो लोग मेरे साथ रहते हैं ना उसको साथ रहते क्या, इनफैक्ट जो लोग जिन लोगों ने मेरे साथ एक हफ्ता ही बिताया ना उसको भी आंसर बताता है। आई नो हिम बेटर, दिस इज अ ट्रू बेट। ओके स्कोर इज 2-2 राइट? अच्छा ओके स्कोर इज 2-1 ओके जस्ट मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। जस्ट मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ माय लाइफ? तभी मैंने बोला था ये सबको पता होगा यार, ऑब्वियसली इस बंदी ने स्टार्टिंग में चीटिंग कर ली भाई, हाय हाय मेरी रात चीटिंग हुई है। ओके सेट हां तो क्या प्रायोरिटी है? प्रायोरिटी ऑफ माय फैमिली, फैमिली एंड फ्रेंड्स। जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही मुझे किस टाइप की लोकेशंस पे घूमना है?
आनुकी वाले वाले मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, हमें यहाँ से पता ही पता है। मैं तुझे जानता हूँ गोलू को एडवेंचरस जो थी ना, लाइक जहाँ पे एक्टिविटीज वगैरह कर रहे थे हम लोग, वो जगह घूमना पसंद है तेरे को। बिकॉज इसने हनीमून के लिए बोला था कि हम लोग अंडमान चले जाते हैं, वहाँ पे मेरे को स्कूबा डाइविंग करने का, तो तेरे को वैसी जगह पसंद। आई थिंक क्या ऐसे ही हुआ है। घूमने के लिए जहाँ रिलैक्स करने के लिए जाना चाहते हैं तो रिलैक्स, यार रिलैक्स तो अपने घर पे भी कर सकता है बंदा, मतलब कहीं पे भी कर सकता है। तो मतलब घर से कहीं पे भी निकल, घर से मैं बाथरूम भी जाऊंगा तो वो चेंज ही हो जाएगा। मतलब घर से अगर मैं अपने खेतों की तरफ भी जाऊं तो वो भी चेंज ही हो गया ना यार। मैं मतलब आंसर इज बिल्कुल सही है। गलत कैसे हो सकता है यार, क्यों सही क्या है? हिल स्टेशन जीवन में कहीं कब गई है तू? हिल स्टेशन मैंने सोचा ही नहीं था। चलो ठीक है, फॉरनर लड़की एनआरआई। चलो ठीक है, वो क्या हो गया, स्कोर क्या हुआ? 3-2। ओके लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ये सबसे इंटरेस्टिंग सा है। तो अगर मेरे को कोई वो मिल जाए, क्या कहते हैं उसको, चिराग, अगर मेरे को कोई चिराग मिल जाए और उसको रब करके मेरे सामने जिनी आ जाए तो, और वो मेरे को सिर्फ एक ही विश बोले, वैसे तो तीन मिलते हैं मतलब अगर अकॉर्डिंग टू द मूवी, बट अगर वो मेरे को एक ही विश अगर वो मेरे को दे कि आप मैं वो विश पूरी करूँगा, तो वट वुड बी दैट विश? आई विल आस्क फॉर, ये बराबर हो जाएगी इसमें 3-3 बराबर। विश तो बहुत होते हैं, बट आंसर बताओ। थोड़ा सा थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मेरे को जिता सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये क्वेश्चन हमें जिताएगा, जितने लोग ऐसे कैसे होगा? अरे भैया मतलब क्वेश्चन को आंसर को बता के उसी को आंसर को सही बता देगी, मतलब क्वेश्चन को आंसर को बता के उसी आंसर को सही बता दूंगी, क्या लॉजिक है इस बात का? मतलब तू खुद ही बोल दे कि यही सही है, मेरे को तो मानना पड़ेगा ना। नहीं ऐसे कैसे, अपना दिमाग तो हर में ऐसे करता है। अरे आप आंसर बताओ, डोंट आर्ग्यू विद मी, डोंट बहस विद मी, डोंट बहस विद मी। ओके आर्ग्यू विद द आंसर, क्या लगता है ऐसी क्या मैं विश कर सकता हूँ? विश तो बहुत होती है ना ऐसे, डोंट रिपीट इट अगेन एंड अगेन। आई पर्टिकुलर विश तो हो सकती है, मैं सुपरमैन बनना चाहता हूँ, मुझे स्पाइडरमैन बनना है, मैं यार आयरन मैन तो मैं बनना चाहता हूँ ना, मैं तो आयरन मैन बनना चाहता हूँ। बल्कि नहीं यार, I want to be an Avenger. दुनिया की रक्षा करूंगा मैं। पहले डिसाइड करना चाहिए, Iron Man या Superman? ये टाइम होता है, टाइम खत्म हो गया। नहीं है, है आंसर है। क्या है? क्या आंसर? आंसर तो है, obviously the answer is there. तूने मेरे को सुना है क्या? या तो इस बंदी ने भाई मेरा पीछे से, मैं ना ऊपर भी गया था ये ट्राइपॉड लेने के लिए, तो इसने बंदी ने मेरा फोन देख लिया, बता रहा हूँ फोन में आंसर नहीं है, फोन में क्वेश्चन नहीं है। तो फिर मतलब या तो तूने, मैं कभी प्रेयर वेयर कर रहा हूँ तो तूने सुना होगा। प्रेयर मतलब प्रेयर आदमी ऐसे कौन सी लचला की प्रेयर होता है? पता नहीं यार, ये ऐसे थोड़ी ना होता है, इस बंदी को कैसे पता चल गया? तो इससे पता लगता है आई नो हिम वेल। गलत है ये पार्ट टू, इसने ना, इस बंदी ने, मैं बता रहा हूँ, चीटिंग की है मेरे साथ, तुम्हारे भाई के साथ बहुत ज्यादा चीटिंग हुई है। और अगले जो वीडियो आएगी ना इसका, जो पार्ट टू आएगा, मैं बता रहा हूँ पूरा बदला लिया। पार्ट टू ये लोग बताएंगे, देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मुझे लगता है देखना चाहते हैं। ऐसा है क्या?
देखना चाहोगे? तो यार अगर आप लोग पार्ट टू देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हम लोगों को जरूर बताएं कि आप लोग पार्ट टू देखना चाहते हैं। और मैं जीत गई हूँ और इसके लिए मुझे कांग्रेचुलेट कर देना, मैंने एक साल का भरपूर प्रयोग किया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ और क्वेश्चंस ऐड करें एक दूसरे से पूछने के लिए, इस टाइप का भी कुछ कर सकते हैं कि आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम लोग वो क्वेश्चन अपने जो है नोट आउट करेंगे। एंड सॉरी फॉर दिस खांसी भाई, थोड़ा ठंड लग गई है, दिल्ली में ठंड हो ही रखी है। और जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब, भाई मैं दिखाना नहीं चाहता, अभी अगले व्लॉग में दिखाऊंगा, अगले व्लॉग में दिखाऊंगा, मतलब मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, चलो अभी तो खत्म कर लेंगे लेकिन अगले व्लॉग में पक्का दिखाऊंगा मैं। 48% बंदे ऐसे हैं जो चैनल पे मतलब वीडियो देख जाते हैं और भाई साहब सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, कृपया करो, अब यहाँ तक वीडियो को देख अगर देखने के लिए पहुंच ही गए हो तो यार मतलब क्यों कंजूस बन रहे हो भाई, कंजूस क्यों बन रहे हो, हाय लगेगी हाय, इस बच्चे की हाय लगेगी हाय, प्लीज कृपा करो वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स फैमिली में के साथ शेयर करो वीडियो को प्लीज। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, सपा खे, और नेक्स्ट पार्ट का वेट जरूर करना, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू गाइस, बाय बाय, जय हिंद।